अस्सलाम वालेकुम डियर पीपीएल व्यूअर्स, प्रोग्राम प्रॉपर्टी पल्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट रज़ा मुजाहिद। आज हम बात करेंगे बैरिया टाउन कराची में जिना एवेन्यू की, उसकी इस वक्त के जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनकी क्या अप्रोच है और इन फ्यूचर है यहाँ पे किस टाइप का बिज़नेस होने जा रहा है, और स्पेसिफिक ये वीडियो उन क्लाइंट्स के लिए होगी जिनके पास डिस्प्यूटेड लैंड्स में प्लॉट्स अवेलेबल हैं और वो उनको कोई बैरिया की तरफ से कोई ऑप्शन नहीं मिला, या वो रिफंड के पॉलिसी में या उसको सेल आउट की पॉलिसी में नहीं जाना चाह रहे और वो अपनी फाइल्स को 100% मर्ज करवाना चाह रहे हैं, एडजस्ट करवाना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज उसके ऊपर मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूँगा। इस वक्त मैं मेन जो इसका मेन तौहीद स्क्वायर है उसके ऊपर इस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बिल्कुल मेन गेट के साथ ये लोकेशन है। ये फर्स्ट पॉइंट कंसिडर किया जाता है बैरिया टाउन कराची का, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और इस टाइम मतलब बैरिया का माशाल्लाह वेदर भी बहुत खूबसूरत है। तो ये जिना एवेन्यू के ऊपर इस वक्त हमने अप्रोच कर ली है जो डायरेक्ट सीधा आगे बैरिया एडवेंचर लैंड की तरफ जा रही है। तो मेरे राइट साइड पे आपको इंशाल्लाह बहुत सारे कमर्शियल प्लाजाज नज़र आएंगे, जो बहुत सारे जिसमें इनकम्प्लीट भी कुछ हैं, ग्रे स्ट्रक्चर्स में भी हैं, और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट भी हो चुके हैं, जिसमें डायमंड होम्स के नाम से प्रोजेक्ट्स हैं, एसक्यू टावर के नाम से है, और यूबीएन ट्रेड सेंटर टावर, अबुल कासिम, डोमिनियन, डिफरेंट नंबर ऑफ बैरिया के जो ऑथराइज डिवेलपर्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इस वक्त काम कर रहे हैं। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोकेशन है इन प्रोजेक्ट्स की वो मेन जिना एवेन्यू के फेसिंग कर रही है, और साथ में मेन गेट से ये जस्ट 2 से 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो इस वक्त मैं जिन प्लाजा को क्रॉस कर रहा हूँ उसमें ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल डोमिनियन वालों का ये प्लाजा इस वक्त रेडी है, जिसको आप देख सकते हैं 2 साल पहले इन्होंने इसकी इनोग्रेशन की थी, जिसमें उन लोगों की डिस्प्यूटेड फाइल्स जिनको कोई अपना वे आउट नज़र नहीं आ रहा था उन्होंने इसके अंदर अपनी फ़ाइल्स को मर्ज करवाया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक तो उन लोगों की प्रॉपर्टी प्रॉफिट पे है, मतलब लॉस तो बहुत दूर की बात है जो उनकी पेमेंट्स फंसी हुई थी। सेकेंडली वो इस वक्त इन ऑफिसिस को रेंट आउट करके डिफरेंट एजेंट्स को, डिफरेंट डीलर्स को यहाँ से अपना एक उनकी रेंटल इनकम स्टार्ट हो गई है, और साथ में अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को कुछ यहाँ पे एजेंट्स की स्टेट्स भी नज़र आ रही हैं जो इनके अंदर ही मतलब फॉल कर रही हैं, और इंशाल्लाह ये भी यहाँ से विद इन 1-2 मंथ्स के अंदर बैगन ने इनको नोटिस दिया हुआ है और यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर मैं इसके राइट साइड की बात करूं तो बैरिया का जो मेंटेनेंस और कम्प्लेक्स ऑफिस है, कंप्लेन ऑफिस, वो बिल्कुल इसके राइट साइड पे है, और इस व्यू में आप देख सकते हैं इट्स लाइक दुबई इन फ्यूचर का। और इस वक्त ये जो यहाँ पे इनका ग्रे स्ट्रक्चर्स के अलावा जो फ्रंट एलिवेशन है टोटली कम्प्लीट हो गया है। अब मैं आगे उन डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहा हूँ जो इस वक्त ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं और यहाँ पे जो रियल स्टेट का बिज़नेस है इन प्रोसेस चल रहा है। तो इस टाइम ये SQ29 के नाम से ये टावर है, ये बेसिकली अली सक लैंड वालों का प्रोजेक्ट है, और इसकी भी जो कंप्लीशन प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है, विद इन 1 मंथ ये प्रॉपर आपको फंक्शनल नज़र आएगा, और इसके बस कुछ ही एलुमिनियम के मिरर्स रह गए हैं जो इसके आउटसाइड पे लगने बाकी हैं। इवन के इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं ऑफिसेज रेडी हैं और वो इस वक्त फंक्शनल हो चुके हैं। साथ में अगर मैं इसके राइट साइड की थोड़ी बात करूं तो बैरिया के जो अपने फ्लैट्स हैं, बैरिया के प्रीसेंट 19 के 2, 3 और 4 बेड, वो इन प्रोजेक्ट्स के बिल्कुल अपोजिट हैं जिना के राइट साइड पे हैं। जैसे ही हम बैरिया में एंटर होते हैं तो इन बिल्डिंग्स के राइट साइड पे आपको बहुत ही खूबसूरत और नहायत सफाई के साथ जो बनाए गए अपार्टमेंट्स थे बैरिया की तरफ से वो आपको प्रॉपर नज़र आते हैं। तो अब मैं लेफ़्ट साइड पे बात करूंगा डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 की और GM ट्रेड सेंटर की। ये डोमिनियन वालों का प्रोजेक्ट था और इसके अंदर बैरिया टाउन कराची के जो प्राइवेट डेवलपर्स थे उन्होंने जो चीज़ें ग्राउंड प्लस 18 के साथ इन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया था, यहाँ पे आप गाड़ियाँ भी देख सकते हैं नंबर ऑफ़ क्वांटिटी में खड़ी हैं। तो इधर ये पूरा का पूरा जो प्लाजा है ये पूरा रेडी है, लोग यहाँ पे इस वक्त ऑफिसेज अपने बना के बैठे हुए हैं। इवन के PPL का जो अपना ऑफिस है वो भी ग्राउंड के अलावा जो ऊपर के ऑफिसेज हैं उसमें 6th फ्लोर पर आ रहा है। अब मैं नेक्स्ट इसके बाद की जो डेवलपर हैं मोस्ट ऑफ़ द पॉपुलर जिनका एक बैरिया के अंदर नाम है और बहुत कम वक्त में इन्होंने अपना एक अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है और एक अपना नाम बनाया है, अबुल कासिम के नाम से ये डेवलपर्स हैं।
इनका ये पहला प्रोजेक्ट था जो इन्होंने लास्ट ईयर रमज़ान मुबारक में इसकी इनॉग्रेशन की थी, जो कि इंस्टॉलमेंट प्लान पे था, और नहायत तेज़ी के साथ इन्होंने आज इसको कंप्लीट करके इवन के इनका अपना ऑफिस ग्राउंड पे और इसको कंप्लीशन के प्रोसेस में लगा दिया है। साथ में अभी आपको एक ग्रे स्ट्रक्चर जो है बैरियर टाउन के अंदर अबुल कासिम वालों का सेकेंड प्रोजेक्ट जो अब्दुल समद के नाम से इसको लॉन्च किया गया था, ग्राउंड प्लस 15 की जो इसकी बिल्डिंग्स की नंबरिंग्स हैं उसके ऊपर, ये भी इसका इंशाल्लाह दिसंबर में प्रॉपर कंप्लीशन हो जाएगा। और इसके अंदर भी बहुत सारे हमारे कस्टमर्स थे जिन्होंने अपनी फाइल्स को मर्ज करवाया था, पूरी पूरी पेमेंट्स उनकी एडजस्ट हो गई थी और वो आज अल्हम्दुलिल्लाह से इसके अंदर प्रॉफिट भी कमा रहे हैं और इसको रेंट आउट भी कर रहे हैं। तो और भी नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स हैं मिडवे कमर्शियल के ऊपर जो आपको इस वीडियो में बिल्कुल फ्रंट पे नज़र आ रही हैं कुछ बिल्डिंग्स, ये बेसिकली मिडवे कमर्शियल ए साइड है और वहाँ पे भी काफ़ी हद तक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन उसके अंदर जो लोग डिस्प्यूटेड लैंड्स के हैं जिनकी डिस्प्यूटेड फाइल्स पड़ी हैं वो उसके अंदर मर्ज वाले उनके पास वो ऑप्शन नहीं है जो जिना के ऊपर है, और डेफिनेटली जो जिना एवेन्यू की वर्थ है वो मिडवे कमर्शियल की कभी भी नहीं हो सकती। इसके साथ में जैसे ही हम इस प्रोजेक्ट को क्रॉस करेंगे कुछ आगे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, इवन के अबुल कासिम वालों का अभी न्यू प्रोजेक्ट आया है इसी बिल्डिंग के आगे है 56 एंड 57 नंबर प्लॉट पे। ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स थे जिनके अबुल कासिम में हम लोगों ने माजरत की और उनकी मर्जिंग नहीं करवा सके, उनके लिए राइट नाउ बेस्ट ऑप्शन है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी मर्ज करवाएँ। ये जो आपको प्लॉट नज़र आ रहा है मेरे लेफ्ट साइड पर जिना के उस साइड पर, इस प्लॉट को उसकी बेसिकली लोकेशन आ रही है और इंशाल्लाह दिसंबर में उसकी डिगिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद इसका जो काम है बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह अगर आप लोगों को कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अल्हम्दुलिल्लाह रज़ा मुजाहिद पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के प्लेटफॉर्म से आपको प्रॉपर गाइड भी करेगा, और फर्दर किसी भी इंक्वायरी के लिए आप लोग मुझे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।